इंफॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप पर अपनी सर्जिकल स्ट्राइक को जारी रखा है। कुछ महीने पहले बहुत सारे ऐप्स को बैन किया था, जैसे कि कैम स्कैनर है, शेयर इट है, टिकटॉक है, पबजी उसमें बच गया था। लेकिन अब दो दिन पहले 118 ऐप्स की लिस्ट निकाली है जिनको बैन किया गया है, लेकिन इस बार पबजी नहीं बचा। तो जो पबजी लवर्स हैं, जो गेमिंग के शौकीन हैं, उनको इस बार एक झटका लगा है। लेकिन आपसे अगर मैं ये कहूँ पबजी लवर्स को एक अच्छी खबर दूँ, वो ये कि पबजी बैन नहीं हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि पबजी आप अभी भी खेल सकते हैं, पबजी को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और पबजी की अपडेट्स भी पा सकते हैं और पबजी को आगे भी खेल सकते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में 17.5 करोड़ बार पबजी को डाउनलोड किया गया था। रोज़ डेली के 1.5 करोड़ यूज़र्स पबजी खेलते थे, यानी कि हिंदुस्तान एक अच्छी मार्केट था, या मैं कहूँ है पबजी के लिए। तो अब ऐसा क्या तरीका है जब के नई अपडेट्स नहीं मिल रही हैं तो हम पबजी को खेल सकते हैं? और सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप पबजी को खेल सकते हैं। तो जो पबजी लवर्स हैं वो जानते होंगे कि पबजी कोई एक गेम नहीं है, पबजी चार गेम है, टोटल चार गेम हैं। दो मेन वर्जन्स हैं और दो इसके लाइट वर्जन हैं, यानी कि लाइट मोड्स हैं, और इनके डेवलपर्स भी अलग हैं। जो पबजी मोबाइल है और पबजी लाइट है वो चाइनीज़ कंपनी टिसेंट्स गेम्स ने इसको डेवलप किया है, जबकि पबजी कॉरपोरेशन दूसरी कंपनी है कोरिया की, जिसने पबजी लैपटॉप और पबजी पीसी गेम डेवलप किया है। तो अगर हम 118 लिस्ट को चेक किए जो भारत सरकार ने जारी की थी, उस 118 ऐप्स की लिस्ट में पबजी मोबाइल है और पबजी लाइट है, जबकि पबजी कॉरपोरेशन का डेवलप किया हुआ पीसी गेम इसमें नहीं है। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि आप अभी भी पबजी का मज़ा ले सकते हैं और पबजी आप खेल भी सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अब पबजी आप मोबाइल पे नहीं खेल पाएंगे, अब पबजी आप अपने पीसी पे खेलेंगे, आप अपने लैपटॉप पर खेलेंगे। लेकिन अब अगर आप पबजी खेलना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना होगा। वैसे आपने बहुत से पासेज में पैसा खर्च किया भी होगा, लेकिन पीसी पे अगर पबजी आप खेलना चाहते हैं तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर इसको परचेज करना होगा। www.pubg.com पर आप जाइए, उसके बाद आप इसको 999 रुपये में परचेस कीजिए। 999 में परचेस करके आप इस गेम को खेल सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको बताऊंगा। आपको कम से कम जो अपना पीसी या लैपटॉप चाहिए है वो i5 आपके पास होना चाहिए, जिसमें 8 GB रैम होना चाहिए और कम से कम 30 GB उसकी मेमोरी भी होना चाहिए, ताकि आप बिना रुकावट पबजी को खेल सकें। इसके अंदर भी एक खुशखबरी है कि अगर आपके पास इतनी कॉन्फ़िगरेशन का इतना हैवी लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप i3 पर भी इसको खेल सकते हैं। और एक खुशखबरी इसके साथ और भी है कि पबजी लाइट जो है वो बिल्कुल फ्री वर्जन है, तो इसलिए पबजी लाइट अगर आप डाउनलोड करेंगे, एक तो आप कम कॉन्फ़िगरेशन पर उसको खेल पाएंगे, और अगर आप पबजी जो मेन गेम है उसको डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए आपको 999 रुपये खर्च करने होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पबजी आपका बैन नहीं हुआ है, या आप ये समझ लीजिए कि पबजी बैन होकर भी चल रहा है। तो पीसी पर आप इसका मज़ा ले सकते हैं, हालांकि मोबाइल फ़ोन्स पर आप इसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। बहुत से वीडियो जो बना रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि आगे हो सकता है कि पबजी खुल जाए, क्या कंपनी से बात हो रही है, लेकिन ये सब जो खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं, फेक हैं। अभी पबजी खोलने का सरकार का कोई भी मूड नहीं है। तो बहरहाल, जब आप पबजी डाउनलोड कर लें, पबजी लवर्स ज़रूर मैं जानता हूँ वो डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इसका चस्का जो है वो इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पबजी मोबाइल में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या पबजी पीसी में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।